बिजनौर कलेक्ट्रेट पहुंचे पीड़ित ने डीएम से इंसाफ की गुहार लगाई। दरअसल बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के गांव हरियावली निवासी मुनसफ अली कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम उमेश मिश्रा से इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस ने 24 अगस्त को मुनसफ अली उर्फ बाबू की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया था। इस मामले में पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने 24 अगस्त को ही नोटिस दिया और 24 अगस्त को ही उसकी संपत्ति कुर्क कर ली। परिवार घर से बेघर हो गया है। मुनसफ अली उर्फ बाबू डीएम साहब के हैं, ये करना है कि जो ना हमें एक नोटिस दिया था जो हमारे 24 तारीख का, वो नोटिस के लिए हमें बुलाने का वो करा था और हमारे घर पे जाके जो ना सील लगाने का मामला करा। हम यहाँ नोटिस देने आए थे वो, और जो ना हमारी जो है ना यहाँ वो कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं कि जो ना सच्चाई होगा, पुलिस ने हमारे साथ में नाइंसाफी कर रखी है और जो है ना ये हमारे जो है ना उसके घर के कागज़ है, जिसे कह रहे हैं कि घर के कागज़ नहीं है, ये हमारे घर के कागज़ हैं। खिलाफ भी अब हम ये कहते हैं, हमें इतना परेशान कर रखा, हम घर से भी बेघर हो गए। अब हमें घर से भी निकाल दिया था परसों, हम घर बाहर पड़े थे, फिर हम अपनी नंद के यहाँ जाके रहने लगे। हमारी नंद ले गई लिवा के और हमारा घर में भी ताला लगा दिया। जितना हमारा सामान था, बहू का भी मेरा भी जो हमारा सामान था, सब उन्होंने अंदर बंद करके ताला लगा दिया। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रीतम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीतम, क्या बताएंगे, संपत्ति कुर्क का यह मामला है, पीड़ित ने इंसाफ की गुहार लगाई है, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्या अपडेट है? कि बिल्कुल, आपको जनपद बिजनौर का थाना शेरकोट क्षेत्र का रेवी निवासी बाबू ने जो है डीएम से जो है इंसाफ की गुहार लगाई है। बताया जाता है कि 24 अगस्त को जो है पुलिस ने बाबू की संपत्ति को जो है कुर्क किया था, जिसमें बाबू का कहना है कि ये कार्रवाई जो है बिल्कुल गलत की गई है और ये कार्रवाई नहीं की जानी थी। और ये भी बताया है कि जो मेरे पर मुकदमे लिखे गए हैं, पीड़ित का कहना है कि जो मुकदमे मेरे पर लगाए गए हैं वो झूठे हैं। जी जी प्रीतम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।